न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज TV। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ब्रजभूषण शरण मुस्लिमों से बोले, कोई कहे ना कहे, हम कहते हैं आप लोग हमारा ही खून। घुसपैठिए जहां दिखे वही तोड़ दो टांग, पब्लिक को किस बात की खुली छूट दे रहे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा। शिवसेना और ठाकरे के कारण ही मोदी जी आज सड़कों पर है। मुंबई में रोड शो की संजय राउत ने की आलोचना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ब्रजभूषण शरण सीएम मुस्लिमों से बोले, कोई कहे न कहे, हम कहते हैं आप लोग हमारा ही खून हो। उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह BJP से मैदान में है। यहां बेटे को जिताने के लिए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर लोगों से संपर्क कर पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कहे ना कहे, हम कहते हैं कि आप हमारा ही खून हो। कोई DNA करा ले तो कोई 5 पीढ़ी पहले एक हम ही निकलेंगे। आपके लिए हम बदनाम है और आप हमारे लिए बदनाम है, इसलिए पक्ष में वो पक्ष नहीं, कम से कम फायदा न करो तो नुकसान न करो। मैं आपका एहसान मंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, हमारा आपका मिलना बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहादुर पसंद, कोई कहे या ना कहे, हम कहते हैं आप हमारा ही खून हो। अगर DNA टेस्ट कराया जाएगा तो 5 पीढ़ी पहले आप हमारा ही खून। हम सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसलिए आपसे विनती है, आपके लिए हम बदनाम है और आप हमारे लिए बदनाम। इसलिए वो तो पक्ष में वो और नहीं तो ना हो, कम से कम फायदा ना करो तो नुकसान ना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोग हमारी मंशा को समझ गए होंगे। मैं आपका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, वो लोग ना आए हैं ना आएंगे, लेकिन हमारा आपका मिल्लत बढ़ेगा, आपकी भाईचारा बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को, इमरान भाई को जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया, सबको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बोलो भारत माता की। घुसपैठिए जहां दिखे वही तोड़ दो टांग, पब्लिक को किस बात की खुली छूट दे रहे असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा। असम के मुख्यमंत्री झारखंड में खूब गरजे, उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधा, साथ ही घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को या फिर जनता को यहाँ घुसपैठिया दिखे उसकी टांग तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता या फिर पुलिस को ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये किसका काम है, जहाँ घुसपैठिए दिखे उसकी टांग तोड़िए, क्योंकि टांग तोड़ने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि ये काम हाथ के बजाय कानून से भी हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठिए को देखते ही उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए, अगर पुलिस घुसपैठिया देखती है तो तुरंत उसका टांग तोड़ कर झारखंड से बाहर निकाल देना चाहिए। हेमंत शर्मा बिस्वा ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल इशू नहीं है, अगर पब्लिक घुसपैठिए को देखती है तो पब्लिक को उसकी टांग तोड़नी चाहिए, पुलिस दिखती है तो पुलिस ने उसकी टांग कर तोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस या पब्लिक को इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि ये किसका काम है, झारखंड को बचाने की जरूरत है, नहीं तो ये असम बन जाएगा। हेमंत शर्मा ने असम का जिक्र करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप असम जाकर आइए, स्थिति को समझ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक टांग तोड़ने की बात है, ये हाथ से नहीं कानून से भी हो सकता है, अगर बुद्धिमान लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो कानून के जरिए घुसपैठियों की टांग को तोड़ा जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना और ठाकरे के कारण ही मोदी जी आज सड़कों पर है। मुंबई में रोड शो की संजय राउत ने की आलोचना। महागठबंधन के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आज मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो
आयोजित किया गया था। इस रोड शो के जरिए बीजेपी की ओर से एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। संजय राउत ने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में एक रोड शो किया, इसके लिए पूरी मुंबई बंद कर दी गई थी, रेलवे और मेट्रो भी बंद थे। पिछले एक महीने में मोदी ने महाराष्ट्र में 28 सभाएं की, इसके अलावा आज उनका रोड शो भी हुआ। दरअसल शिवसेना और ठाकरे का साथ छोड़ने की वजह से मोदी को सड़कों पर उतरना पड़ा है। संजय राउत ने कहा, मोदी चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, यह महाराष्ट्र मोदी के पीछे खड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जहां भी सभा की है वहां बीजेपी के उम्मीदवार हारेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार उनमें से प्रत्येक स्थान पर जीतेंगे, क्योंकि मोदी ने कर्नाटक में भी 27 सभाएं की थी। उस चुनाव में बीजेपी के 14 मंत्री हार गए, तो मोदी के आने से बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मुझे उनका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम हो सकता है पूरा, उसमें और भी लोगों को स्थान मिल सकता था, लेकिन पंडित नेहरू देश की एक ऐसी शख्सियत थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल पूरा और उसके बाद भी इस देश को बनाने के लिए पूरा जोर लगाया, ताकत लगाई, योगदान दिया, तो नाम तो उनका ही होना चाहिए। लेकिन और भी प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल जी हो, इंदिरा जी, उनका भी अपना अपना योगदान रहा। अगर प्रधानमंत्री सभी प्रधानमंत्री को आप स्थान देना चाहते हैं तो उनका आपका स्वागत है, हम उसको विरोध नहीं कर सकते। उसी म्यूजियम में जो पंडित नेहरू के नाम से बना है, उसमें से एक बड़ा सेक्शन आप ये सभी लोगों को दे सकते थे, लेकिन आप पंडित नेहरू जी के नाम से नफरत करते हैं, इसीलिए ये हुआ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी एप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।